हेलो दोस्तों, सुशील टेक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपका विंडो 11 के अंदर अगर आपका पासवर्ड मिस हो गया है या आप किसी और का कंप्यूटर चलाना चाहते हो और उसका पासवर्ड आपके पास नहीं है, या आपका कोई एम्प्लॉई आपका काम छोड़कर चला गया है और वो आपको पासवर्ड देकर नहीं गया है, तो आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे या उस कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो। ये विंडो ऑन हो गई है। विंडो ऑन में देख रहे हैं आप, पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैं कोई पासवर्ड डाल रहा हूँ और एंटर करता हूँ तो ये आ गया वेलकम और ये मैसेज आ गया द पासवर्ड इज इनकरेक्ट ट्राई अगेन। ये आ गया द पासवर्ड इज इनकरेक्ट ट्राई अगेन। तो अब आपको क्या करना है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, इसको तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको जैसे कि ऊपर की स्क्रीन में नज़र आ रहा है, कीबोर्ड में शिफ्ट को दबा के रखना है, शिफ्ट दबा के रखना है और ये पावर का जो बटन है, पावर के बटन पे क्लिक करना है, शिफ्ट को दबा कर रखना है, ठीक है। और इसके बाद ये रीस्टार्ट का जो बटन आ रहा है, रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये मैसेज आ गया, इफ़ यू रीस्टार्ट नाउ यू एंड एनी अदर पीपल यूजिंग दिस पीसी कुड लूज अनसेव्ड वर्क। तो आप इसको रीस्टार्ट एनीवे पे क्लिक करके आप रीस्टार्ट कर देंगे। अभी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आगे का जो प्रोसेस है वो रीस्टार्ट होने के बाद बताता हूँ मैं। अब ये रीस्टार्ट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं जो मैंने शिफ्ट बटन दबा कर रखा था उसकी वजह से ये RE मोड में आ चुका है। RE यानी कि रिकवरी मोड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये इसमें आ चुका है। अब इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कंटिन्यू एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडो 11, यूज ए डिवाइस, ट्रबल शूट और टर्न ऑफ पीसी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, ठीक है, याद रखो ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ट्रबल शूट पे क्लिक करके अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रीसेट दिस पीसी और एडवांस ऑप्शन। अब आपको इसमें एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये भी मैं हाईलाइट करके बता, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टअप रिपेयर, स्टार्टअप सेटिंग्स, कमांड प्रॉम्प्ट, अनइंस्टॉल अपडेट, UEFI फर्मवेयर सेटिंग और सिस्टम रिस्टोर, ये सब ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद जब आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो गई है, अब आपको इसमें जो मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पर भी लिख दूंगा, उसको केयरफुली टाइप करना है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, जो इसकी सेट SC वाली जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है उसको हम CMD से रिप्लेस करेंगे, ताकि CMD को कमांड प्रॉम्प्ट को हैक करके हम पासवर्ड चेंज कर सकें। तो उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ, आप देखो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ये बिना किसी सॉफ्टवेयर के या बिना किसी CD या बिना किसी पेन ड्राइव के मैं कर रहा हूं। तो मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप करते रहना। बेसिकली क्या, ये जैसे मैंने बताया कि सेट SC फाइल के साथ छेड़खानी करने से पासवर्ड रीसेट होता है, तो मैं अब इसको करने जा रहा हूं। पहले जैसे कि बता रहा हूं सेट SC फाइल को चेंज करना है, तो सेफ साइट के लिए हम उसको पहले किसी दूसरी जगह पे कॉपी कर लेंगे, ताकि बाद में रीस्टोर करना हो तो कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कमांड डालेंगे, अब ये देख रहे हैं X विंडोज़ के अंदर है, ये मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, ये X विंडोज़ के अंदर है अभी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। और हमें काम करना C में, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं और C ड्राइव के अंदर जाकर भी काम सकते हैं। उसके लिए हम C:: टाइप करेंगे, ये देखो C और कॉलन टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो हम C ड्राइव के अंदर भी आ जाएंगे। जैसे C ड्राइव में आ गए तो हम किसी भी ड्राइव से काम कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कमांड डालेंगे, सिंपल सी कमांड है कॉपी की, COPY कॉपी, और हमारी सिस्टम फाइलें C ड्राइव में होती है ना, तो C ड्राइव से ही हम कॉपी करेंगे, C:// ये /backslash है, /forward/ है, ये मुझे आज तक नहीं पता, बस /आप देख लेना, WINDOWS विंडोज़
/system32। जो सेट एस सी वाली जो फाइल है वो सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर होती है हमेशा विंडोज़ के अंदर। उसके बाद फिर स्लैश, फिर फाइल का नाम /setc डॉट, एग्जीक्यूटिव फाइल है इसलिए उसकी एक्सटेंशन exe को हम किसी जिस ड्राइव में भी कॉपी करना चाहें उसमें कर लेंगे। अभी मैं सी ड्राइव के अंदर रूट में कॉपी कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम डालेंगे जहाँ पर हमें कॉपी करना है C:\ और स्लैश, एंटर करेंगे। अब यह दिखा रहे हैं वन फाइल कॉपीड हो गई है, वन फाइल कॉपीड। इसका मतलब है कि इस फाइल को हमने सेफ साइड के लिए अलग बैकअप ले लिए ताकि इसके बाद में यूज़ करना हो तो हम उसको यूज़ करते हैं। अब असली प्रोसेस शुरू होगा। अब हमें क्या करना है, सेट एस सी फाइल को CMD फाइल से रिप्लेस करना है। CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम वही सिंपल सेम कमांड copy कॉपी स्पेस, फिर ये क्वेश्चन मार्क के साथ वाला जो स्लैश होता है स्लैश, फिर y यानी कि यस, फोर्सली यस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर C:\, ये सारी कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और यहाँ पर भी ऊपर भी लिख दूंगा जब वीडियो एडिट करूँगा। CWINDOWS विंडोज, फिर कॉलन, फिर SYSTEM सिस्टम 32, फिर स्लैश, फिर जिस फाइल को हमें सेट एस सी के साथ रिप्लेस करना है CMD.exe स्पेस C:\WINDOWS विंडोज /SYSTEM 32 /setc.exe, ठीक है। ये कमांड है किसके लिए, सेट एस सी फाइल को CMD फाइल से रिप्लेस करने के लिए। ये हमने किया, अभी आ गया वन फाइल कॉपीड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, वापस नॉर्मल रीस्टार्ट करेंगे जैसे कि होता है, ना किसी लाग लपेट के। ये सेट एस सी फाइल की होती है, ये स्टिकी की होती है, स्टिकी की जो 5 बार शिफ्ट दबाते हैं तो स्टिकी की आ जाती है। अब 5 बार हम शिफ्ट दबाएंगे तो स्टिकी की जगह कमांड एक्टिव हो जाएगी और CMD आ जाएगी। तो अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे और ये जो ऑप्शन है पहला वाला कंटिन्यू एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडो 11, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा विंडो 11 में नॉर्मल जैसे पहले रिबूट हो रहा था वैसे ही रिबूट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि विंडो ऑन होकर वापस हम उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर पासवर्ड था, मगर अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ कि हम सेट एस सी फाइल को CMD फाइल से रिप्लेस कर चुके हैं। तो अभी भी आप दिखा देता हूँ, वहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे तो सेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट बता रहा है। अब हमें क्या करना है, 5 बार शिफ्ट की प्रेस करनी है जिससे हमारी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी जो कि सेट एस सी से रिप्लेस हो गई है। तो अभी हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है और आपको मैं इसमें दिखा भी देता हूँ। देखो वैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट है मगर इसका ओरिजिनल नाम है setsc.exe और ओरिजिनल ये कमांड प्रॉम्प्ट ही है। अब हम यहाँ पर जो भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जैसे हम पासवर्ड चेंज करते हैं या यूज़र बनाते हैं उसी सेम प्रोसेस पर हम अपना पासवर्ड रीसेट कर देंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यूज़र चेक करेंगे कौन कौन से यूज़र हैं। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है, उसके लिए netuser नेट यूज़र, इसका ये कमांड है। इसको कमांड को हम जब डालेंगे तो हमारी जितने भी यूज़र हैं वो शो करेगा। आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, गेस्ट, सुशील टेक, WDAG जो भी अकाउंट है, ये सारे अकाउंट है। अब हमें इसमें पासवर्ड चेंज करना है, किसका करना है,
अब हम करेंगे सुशील टेक का पासवर्ड चेंज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी कमांड डालिए net स्पेस user, ये कमांड है। और फिर हमें इसके बाद डालना है यूज़र नेम, जो भी यूज़र है जिसका पासवर्ड चेंज करना है वो है यूज़र नेम SUSHILTECH सुशील टेक। अब हमें जो भी पासवर्ड डालना है, अब जो भी हमें नेक्स्ट लॉगिन के लिए पासवर्ड डालना है वो डाल देंगे। जैसे कि मैं डालता हूँ, अभी मैं डालता हूँ, क्या डालें, सुशील टेक ही डालता हूँ, SUSHILTECH ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। एंटर करेंगे, आप देख रहे हैं द कमांड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, देख रहे हैं कमांड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि पासवर्ड अब ये चेंज हो चुका है। अब इस विंडो को हम बंद करेंगे, वापस लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। अब हमने क्या पासवर्ड डाला था, हाँ सुशील टेक डाला था ना, SUSHILTECH एंटर करेंगे, लॉगिन हो चुका है। तो ये था विंडो 11 के अंदर पासवर्ड रीसेट करने का तरीका, जो कि आप बिना किसी CD, बिना किसी DVD, बिना किसी पेन ड्राइव या बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के आप इसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर बाय चांस इस तरीके से नहीं होता तो आपको पेन ड्राइव अरेंज करनी पड़ेगी विंडो 7 की या विंडो 10 की या विंडो 11 की, उससे सेम प्रोसेस में जाएंगे, रिकवरी मोड पर जाएंगे, RE मोड पर जाएंगे और सेम प्रोसेस उससे करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो ये वीडियो लोगों को शेयर कर दें ताकि उनके भी पासवर्ड ब्रेक हो जाएं, और मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहें। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इसी नोट पर वीडियो को बंद करते हैं, थैंक यू वेरी मच।